हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इस कहानी के लेखक हैं राहुल ठकराल। वैसे तो भारत में ट्रेन में सफर करने वालों की कमी नहीं है और ना ही रेलवे स्टेशन की कमी है, पर आज भी मध्य प्रदेश में सतपुड़ा के जंगलों में स्थित छिंदवाड़ा के छोटे से गाँव का रेलवे स्टेशन बंद पड़ा है। रात के सन्नाटे को चीरती हुई ना जाने कितनी ट्रेनें यहाँ से गुजरती है, पर रुकती एक भी नहीं। कभी लोगों से भरा रहने वाला ये रेलवे स्टेशन अब खंडहर में बदल चुका है। अब यहाँ चिड़िया भी पर नहीं मारती, बस सुनाई देता है घनघोर सन्नाटा। छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन को बंद हुए करीब 10 साल हो गए और इसके बंद होने का कारण यहाँ पर एक भूतिया लड़की का होना। जिसने भी रात को उस लड़की को स्टेशन पर देखा, फिर उसने अगला दिन ही नहीं देखा। कुछ साल पहले निगम बाबू का झालावाड़ स्टेशन से तबादला होकर छिंदवाड़ा स्टेशन हो जाता है। वह छिंदवाड़ा स्टेशन के नए स्टेशन मास्टर थे। निगम बाबू बहुत खुश थे, आखिर उनको एक छोटा स्टेशन मिल गया जहां लोगों की इतनी भीड़ नहीं रहती और काम भी कम था। स्टेशन के पास ही सरकारी बंगले में वो और उनकी बीवी दोनों रहते थे। एक रात निगम बाबू देर रात कंप्यूटर पर काम करने के बाद सिगरेट जलाते हुए बंगले के छत पर चढ़े और सिगरेट पीते हुए टहलने लगे। तभी उन्होंने देखा कि रेलवे क्रॉसिंग पर एक सादे सूट में दुबली पतली तीखे नयन नक्श वाली लड़की खड़ी है और चिल्ला रही है। निगम बाबू ने तुरंत अपनी घड़ी में देखा तो रात के 2 बजे थे। वो ये सोचकर दंग रह गए कि रात के 2 बजे ये अकेली लड़की क्या कर रही है और क्यों चिल्ला रही है। पर निगम बाबू ने उस लड़की को नजरअंदाज किया और नीचे चले गए। अगली रात निगम बाबू फिर छत पर गए। उन्होंने देखा आज फिर वो लड़की वहीं खड़ी है और फिर से चिल्ला रही है। निगम बाबू ने रात को लड़की दिखने वाली बात अगले दिन सुबह रेलवे स्टेशन पर अपने कर्मचारियों को बताए, पर सभी लोगों ने इसे निगम बाबू का वहम बताया। रोज की तरह निगम बाबू ने फिर रात को छत पर चढ़ गए और सिगरेट जलाई। फिर निगम बाबू ने देखा कि वही लड़की अब भी चिल्ला रही है और वो किसी और को नहीं निगम बाबू को ही चिल्ला चिल्ला कर बुला रही है। निगम बाबू बिना कुछ सोचे समझे ही उस लड़की की आवाज सुन अपनी चप्पल पहनी और उस लड़की के पास जाने लगे। निगम बाबू उस लड़की के जैसे ही करीब गए, वो लड़की अब रेलवे क्रॉसिंग से आगे जाने वाली सुनसान सड़क पर जाने लगी। निगम बाबू उस लड़की से कहते हैं, ओए लड़की, क्यों चिल्ला रही थी और अब अंधेरे में कहां जा रही हो। वो लड़की हल्की सी मुस्कुराई और अपना दुपट्टा अपने दांतों से चबाती हुई सिर्फ इतना बोली, आओ निगम बाबू, आओ मेरे पीछे आओ। उस लड़की के इन शब्दों में इतना सम्मोहन था कि निगम बाबू भी सम्मोहित होकर बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगे। वह लड़की हल्का हल्का दौड़ने लगी और सिर्फ इतना कहती, आओ निगम बाबू, आओ मेरे पीछे आओ। और निगम बाबू भी उसके पीछे पागलों की तरह दौड़ने लगे। वह लड़की उस अंधेरी सड़क पर अंदर जाए जा रही थी। जाती जाती वह लड़की एकदम से गायब हो गई। ओ लड़की, कहाँ गई? अरे बाबा, कहाँ हो तुम? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? वह लड़की कहीं नहीं दिखाई दी, ना ही उसकी कोई आवाज आई। फिर निगम बाबू मुड़े और जैसे ही वो पीछे घूमे, वह लड़की उनके सामने ही खड़ी थी। तुम मेरे पीछे ही खड़ी हो, फिर बोली क्यों नहीं? ऐसा कहते ही निगम बाबू की नजर उस लड़की के पैरों पर पड़ी। उसके पैर देखकर निगम बाबू के होश उड़ गए, क्योंकि उस लड़की के पैर उल्टे थे। अब निगम बाबू के पसीने छूटने लगे। अब तक तीखे नयन नक्श सुंदर दिखने वाली लड़की अब भयानक चुड़ैल में बदल चुकी थी, जिसकी लाल आंखें, मुंह पर नाखूनों के खरोचे के निशान थे और उनसे बहता हल्का हल्का खून। यह सब देखकर निगम बाबू बहुत डर गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो। खत्म कर दूंगी, सबको खत्म कर दूंगी, सब मर्दों को खत्म कर दूंगी। ऐसा कहकर
उस चुड़ैल ने निगम बाबू के गर्दन पर अपने दांतों से बहुत जोर से काटा। निगम बाबू की गर्दन से बहुत खून बहने लगी। वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। फिर उस चुड़ैल ने अपने हाथों से निगम बाबू की गर्दन को दबाया। निगम बाबू छटपटाने लगे। फिर चुड़ैल निगम बाबू को वापस रेलवे क्रॉसिंग ट्रैक पर ले गई और जैसे ही ट्रेन आई, निगम बाबू को ट्रेन के आगे फेंक दिया। ट्रेन से कटकर निगम बाबू के हाथ पैर अलग हो गए और निगम बाबू मर गए। उस चुड़ैल ने निगम बाबू के खून से उस रेलवे क्रॉसिंग ट्रैक पर लिख दिया कि खत्म कर दूंगी, सब मर्दों को खत्म कर दूंगी। अगली सुबह ये खबर आग की तरह फैल गई कि रेलवे स्टेशन पर किसी चुड़ैल का साया है जो मर्दों को अपना शिकार बना रही है और उसी ने निगम बाबू को मारा है। उस रात के बाद जिसने भी उस लड़की को रेलवे क्रॉसिंग ट्रैक पर देखा, वह उसकी सम्मोहित आवाज के पीछे चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। वह चुड़ैल जिसको भी मारती, उसके खून से लिख दिया करती कि खत्म कर दूंगी, सब मर्दों को खत्म कर दूंगी। अब आए दिन किसी ना किसी की मौत होने लगी। सभी गांव वाले डरने लगे और उन्होंने रेलवे स्टेशन पर रात में तो क्या, दिन में भी जाना छोड़ दिया। सरकारी बंगले में रहने वाले कर्मचारी भी अब वहां से भागने लगे। कोई भी स्टेशन मास्टर वहां रुकना नहीं चाहता था। अब वहां ट्रेनें भी रुकना बंद हो गई और धीरे धीरे वह स्टेशन बंद होकर पूरी तरह खंडहर में बदल गया। पर गांव वाले परेशान थे कि आखिर वो चुड़ैल मर्दों को ही क्यों मार रही है। तभी पड़ोस के गांव का नीमू चाचा वहां आता है और कहता है, मुझे पता है ये सब क्यों हो रहा है और फिर सब मर्दों को क्यों शिकार बना रही है। मैं उस स्टेशन पर मूंगफली का ठेला लगाता था। एक दिन मैं अपना ठेला बंद करके जा रहा था, तभी मैंने देखा कि एक लड़की स्टेशन पर आई। रात के करीब 12 बजे थे और उस लड़की को एग्जाम देने भोपाल जाना था। स्टेशन पूरा सुनसान था, इक्का दुक्का लोग थे। वह लड़की रात में अकेली थी और ट्रेन का इंतजार कर रही थी, पर किसी कारण उस ट्रेन को कैंसिल करना पड़ा। तभी उसके पास कुछ मनचले लड़के आते हैं और उसके साथ छेड़खानी करते हैं। मैं उस लड़की को बचाने गया तो एक लड़के ने मुझे जोर का मुक्का मारा और जमीन पर गिरा दिया। फिर एक लड़का उसका दुपट्टा खींच देता है। बाकी लड़के भी कभी उसके गाल पर तो कभी उसके बालों पर हाथ घुमाने लगते हैं। वो लड़की कहती रही, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। लड़की ने लड़के को धक्का दे दिया और स्टेशन से भागने लगी। लड़के उसका पीछा करते हैं। अब वो भागती भागती रेलवे ट्रैक पर आ गई। उसको पता ही नहीं चला और वो रेलवे क्रॉसिंग ट्रैक के पास पहुंचती। उससे पहले ही सामने से आती मालगाड़ी ने उस लड़की को कुचल दिया। तब से उस लड़की की आत्मा वही भटक रही है और वो जिस भी मर्द को रात में वहां देखती है उसको मार देती है। दोस्तों, इस कहानी के बाद एक ही सवाल उठता है, क्या उस लड़की का इस तरह मर्दों को मारना जायज है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।